आज आपण पाहिलंय महाराष्ट्रामध्ये अतिशय निंदनीय अशी घटना ही घडलेली आहे। जे आपले रक्षक आहेत तेच घुसले आहेत। जळगाव येथील आशादीप वसतिगृह, जे वसतिगृह महिला बाल कल्याण विभागामार्फत चालले जातं, ज्या वसतिगृहामध्ये समाजामध्ये ज्या निराधार महिला आहेत ज्यांच्यावरती अन्याय झालेला आहे, अत्याचार झालेला आहे, अशा ह्या पीडित महिलांच्या संरक्षणासाठी हे वसतिगृह चालवले जाते। आणि या वसतिगृहामध्ये त्या वसतिगृहातले काही कर्मचारी आणि पुलिस यांच्या मार्फत तिथे ज्या पीडित महिला आहे त्या महिलांना चौकशीच्या माध्यमातून बोलवले जाते आणि त्यांचे कपडे इथे काढून त्यांना तिथे नृत्य करायला लावले जातं। ही अतिशय गंभीर अशी बाब आहे। आम्ही मोठ्या अभिमानाने सांगतो, मी बुलढाणा जिल्ह्यातून प्रतिनिधित्व करते। बुलढाणा जिल्हा हा जिजाऊंचा जिल्हा आहे। आपण सर्व महाराष्ट्रातील महिला मोठ्या अभिमानाने सांगतो, आम्ही जिजाऊंच्या लेकी आहोत, आम्ही सावित्रीच्या लेकी आहोत, रमाईच्या लेकी आहोत, परंतु या महाराष्ट्रामध्ये जे रक्षक आहेत तेच भक्षक झालेले आहे। हा मुद्दा आज पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून मी सभागृहामध्ये मांडला आणि त्याला गृहमंत्री महोदयांनी तत्काळ उत्तर दिलं। तत्काळ या संदर्भातली चौकशी समिती नेमून 2 दिवसांमध्ये जे कोणी याच्यामध्ये आरोपी आढळतील त्यांच्यावरती कारवाई होईल अशा पद्धतीचं आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिलं। अशा किती पीडित महिला आहेत त्या सभागृह, त्या वसतिगृहामध्ये? जेवढ्या महिला आहेत त्या सर्वच महिलांसोबत हा प्रकार तिथे केला जातो। ज्या महिला नकार देतात हे कृत्य करायला त्या महिलांना तिथे मारझोड केल्या जाते, त्यांना धमकी दिली जाते आणि त्यांना अतिशय दयनीय अवस्था त्यांची केल्या जाते। ही घटना 1 मार्च रोजी झाली। तिथल्या जळगावमधल्या काही सामाजिक संस्था आहेत, त्या सामाजिक संस्थांना हा विषय जेव्हा कळाला, ह्या संस्था तिथे सामाजिक संस्था वसतिगृहामध्ये गेल्या, तिथेसुद्धा त्यांना जाण्यासाठी मज्जाव आणण्यात आला, तेव्हा तिथली एक व्हिडिओ क्लिप घेऊन ह्या सामाजिक संस्था कलेक्टरांकडे गेल्या आणि कलेक्टर महोदयांनी ही तक्रार नोंदवली। याच मुद्द्यावर सुधीर बावनकुळे सांगितलं होतं की आणीबाणी देखील करायला पाहिजे, कारण हो अगदी आपण जर पाहतोय महाराष्ट्रातल्या महिला आणि अशा महिला की ज्या महिलांना समाजाकडनं संरक्षण देण्यासाठी वेगळ्या अशा शासकीय जागी आपण ठेवल्या जातं आणि या शासकीय जागी दुसरं तिसरं कुणी नव्हे तर पुलिसच अशा महिलांवरती अत्याचार करतायत, ही अतिशय गंभीर बाब आहे। आणि या बाबीला धरून सुधीर भाऊंनी तिथे मागणी केली की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवटी लागू केली पाहिजे। एक महिला म्हणून या विषयाला धरून ही जी मागणी आहे ही योग्यच आहे, त्यात काही चुकीचं नाही आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे कि जलगांव में आज अपने महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला उठा है, क्या मामला है, क्या डिटेल है? देखिए, जलगांव जिले में आशादीप एक वसतिगृह है जो वसतिगृह महिलाओं के लिए चलाया जाता है। इस वसतिगृह में जो महिलाएं पीड़ित हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है वहाँ उस महिलाओं के साथ वहाँ के जो लोकल कर्मचारी है उनके साथ मिलकर पुलिस और कुछ बाहर के लोग आके वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके कपड़े वो उतारते हैं, उनका उनको वो बहुत परेशान करते हैं। जो महिलाएं नकार देती है तो उनको धमकी देते हैं और उस तरीके से बहुत ही निंदनीय कृत्य वहाँ महिलाओं के साथ किया जाता है। इस तकरार को लेके वहाँ के जो NGO है वो कलेक्टर साहब के पास गए और ये तकरार उन्होंने दी। आज ये मुद्दा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन में हमने सभागृह में लिया तो गृहमंत्री महोदय ने तत्काल ये 2 दिन में यहाँ पे एक गृहमंत्री महोदय ने सभागृह में इस विषय को लेकर एक समिति वो बनाएंगे 2 दिन में और जो कोई दोषी यहाँ पे पाया जाता है उसके ऊपर 2 दिन में कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन सभागृह में दिया है। आपने कहा केस में जो है कि आप लोगों ने लड़कियों को फिल्म भी किया जाता था, ये कितना सच है और क्या इसमें पुलिस कर्मचारी भी इन्वॉल्व है? हाँ, वहाँ के जो NGO है, जो NGO ये वीडियो लेके कलेक्टर के पास गए और उन्होंने ऐसा तकरार कलेक्टर के पास दी है और जो वीडियो है वो वीडियो भी कलेक्टर को दिखाया है। ये कितनी महिलाएं हैं और कब से ये हो रहा था, कितनी महिला और कब से हो रहा था? देखिए, वहाँ पे कितनी महिलाएं हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक भी महिला अगर होती है और उसके साथ ये होता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये घटना 1 मार्च को हुई है, जो 1 मार्च की घटना बाहर आई, बाहर आने के बाद वहाँ के जो लोकल NGO है वो
लोकल एनजीओ फिर कलेक्टर के पास गए और वहाँ पे दखल किया। आपने कहा कि ये जितनी भी महिला उनके साथ देखो वहाँ पे वो जो ये जो वस्ती गृह है ये प्राइवेट वस्ती गृह नहीं है, ये शासकीय वस्ती गृह है। जो एनजीओ वहाँ पे गए थे वो एनजीओ को भी वहाँ पे प्रवेश दिया नहीं जा रहा था, बाहर से किसी को भी मिलाया नहीं जा रहा है। जो कुछ भी जानकारी है वो पूरी जानकारी हमारे पास आ नहीं रही है। आप लोग जब ये आपने मुद्दा उठाया, सुधीर बाबू ने भी बात उठाई, सरकार गंभीर नहीं थी, इसके बाद जो राष्ट्रपति शासन की मांग की आप लोगों ने? पहले बार जब ये मुद्दा उपस्थित किया तो गृहमंत्री महोदय ने खाली आंसर दिया नोंद करूँ, नोटेड। इतनी गंभीर बात हुई और इस गंभीर बात पे अगर गृहमंत्री बोलते हैं नोटेड तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसके ऊपर भी सुधीर भाव ने मांग की अगर हमारे महाराष्ट्र में हमारे महिलाओं के साथ हमारी बहनों के साथ इस तरीके से कृत्य होता है तो फिर